आज की वीडियो में हम लोग इमेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इमेज क्या है, व्हाट इज इमेज, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो देखिए, किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्शन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब डिफिनेशन से ही स्पष्ट हो गया होगा कि इमेज जो है ये दो टाइप का होना चाहिए। एक, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्शन के बाद जब किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हो तो वहाँ पे बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्शन के बाद किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हो तो वहाँ पे बनने वाले प्रतिबिंब को काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा गया कि इमेज जो है ये दो टाइप का हो गया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। अब हम देखते हैं कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस है कि वास्तविक प्रतिबिंब में, रियल इमेज में, वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्शन के बाद वास्तव में मिलती है, और वर्चुअल इमेज काल्पनिक प्रतिबिंब में वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि काल्पनिक रूप से मिलती है। अब हम देखते हैं दूसरा डिफरेंस क्या है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है, और ये जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है, ये वस्तु के सापेक्ष हमेशा ये सीधा होता है। तीसरा डिफरेंस है कि इस वास्तविक प्रतिबिंब के जो लीनियर मैग्निफिकेशन होता है ये हमेशा निगेटिव होता है, और वर्चुअल इमेज के लिए, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है। और चौथा डिफरेंस है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये तो हो गया कि इमेज क्या है और इमेज कितने टाइप का होता है, और इन दोनों इमेज के बीच का डिफरेंस क्या है। अब हम लोग देखते हैं विपथन क्या है, व्हाट इज एबरेशन। तो देखिए, किसी प्रतिबिंब के जितने दोष होते हैं उन्हीं को विपथन कहते हैं। द डिफेक्ट्स ऑफ इमेजेस आर कॉल्ड एबरेशंस। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एबरेशन जो है ये दो टाइप का होता है, क्रोमेटिक एबरेशन और मोनोक्रोमेटिक एबरेशन। तो पहले हम लोग समझ लें कि क्रोमेटिक एबरेशन क्या है और मोनोक्रोमेटिक एबरेशन क्या है। हम लोग क्रोमेटिक एबरेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, प्रकाश के कारण जो एबरेशन होता है उसे क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। द एबरेशन अराइजेस ड्यू टू ओनली लाइट इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबरेशन। अब हम लोग देखते हैं मोनोक्रोमेटिक एबरेशन क्या है। तो ऑप्टिकल सिस्टम के कारण, प्रकाशीय तंत्र के कारण जो एबरेशन उत्पन्न होता है उसे हम लोग मोनोक्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। द एबरेशन अराइजेस ड्यू टू ऑप्टिकल सिस्टम इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक एबरेशन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं रंगीय विपथन। तो हम लोग देखते हैं रंगीय विपथन है क्या। तो देखिए, किसी बड़े एपर्चर वाले लेंस से होकर जब लाइट को पास कराया जाता है तो प्रकाश के अलग अलग रंगों का डेविएशन अलग अलग होता है। अब मान लिया जाए कि ये जो है व्हाइट रे है और ये लेंस से आकर के क्या करी, टकराए, तो अब लेंस से रिफ्रेक्शन के बाद अलग अलग रंगों का डेविएशन अलग अलग होगा, जिसके कारण सभी कलर जो है लेंस से निकलने के बाद एक पॉइंट पर मीट नहीं करेंगे।
होगा क्या कि रेड कलर का डेविएशन सबसे कम होता है, जिसके कारण रेड कलर सबसे आगे जा कर के मीट करेगा, और वायलेट कलर का डेविएशन कम होने के कारण वायलेट पहले ही जा कर के मीट कर जाएगा। तो यहाँ पर वायलेट कलर का मिलन होगा और यहाँ पे रेड कलर का मिलन होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद सभी रे एक पॉइंट पर आकर के नहीं मिलते हैं, जिसके कारण इमेज जो है वह कलर्ड एंड ब्लर्ड दिखाई देगा। इसी डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। और ये याद रखना चाहिए, ये जो क्रोमेटिक एबरेशन जो है ये बड़े एपर्चर वाले लेंस में ही होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि इस क्रोमेटिक एबरेशन को कम कैसे किया जाता है। तो देखिए, चूंकि ये बड़े एपर्चर वाले लेंसों में ही क्रोमेटिक एबरेशन का दोष अधिक होता है, इसलिए बड़े एपर्चर वाले एक लेंस की जगह अगर हम कम एपर्चर वाले लेंसों के कॉम्बिनेशन का उपयोग करें तो क्रोमेटिक एबरेशन का दोष कम हो जाएगा। अब देखिए, इसके लिए एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं एक क्रोमेटिक कंडीशन, यानी कि क्रोमेटिक एबरेशन को दूर करने के लिए जिस कंडीशन का अप्लाई किया जाता है उस कंडीशन को हम लोग एक क्रोमेटिक कंडीशन कहते हैं। अब ये जो है एक क्रोमेटिक कंडीशन क्या है वो देखते हैं। तो मान लिया जाए हमने दो लेंसों के कॉम्बिनेशन का उपयोग किया, एक लेंस का फोकल लेंथ अगर f1 है और दूसरे लेंस का फोकल लेंथ अगर क्या है f2 है, तो ये जो एक्रोमेटिक कंडीशन कहता है ω1/f1 ω2/f2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस कंडीशन को हम लोग एक्रोमेटिक कंडीशन कहते हैं। यह f1 और f2 दोनों लेंसों के फोकल लेंथ है और ω1 और ω2 दोनों लेंसों के डिस्पर्सिव पावर को डिनोट करता है। अब इसके लिए भी कुछ कंडीशन है, यानी कि ये फॉर्मूला है ना कब लागू होगा इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। तो पहला कंडीशन ये है, ये जो ω1 और ω2 जो है ये एक दूसरे के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि दोनों लेंसों की डिस्पर्सिव पावर बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो दोनों लेंस है वो अलग अलग मटेरियल से मिलकर के बना होना चाहिए। और दूसरा जो कंडीशन है वह ये है कि अगर एक फोकल लेंथ पॉजिटिव हो तो दूसरा फोकल लेंथ निगेटिव लेना चाहिए, यानी अगर f1 पॉजिटिव हो तो f2 निगेटिव होना चाहिए, या अगर f1 निगेटिव हो तो f2 पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि एक अगर कनकेव हो, अगर एक कनकेव लेंस हो तो दूसरा कनवेक्स होना चाहिए, या पहला वाला कनवेक्स हो तो दूसरा वाला कनकेव होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि अगर ये ω1 और ω2 बराबर हो जाए तो क्या होगा। अगर ये ω1 और ω2 बराबर हो जाए तो क्या होगा देखते हैं। तो हम ω1 = ω2 = हम ओमेगा मान लेते हैं, क्योंकि दोनों ओमेगा बराबर हो गया। अब हम देखते हैं कि जब हम f1 और f2 फोकल लेंथ वाले दो लेंसों को कंबाइन करें और उनका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ अगर f हो जाए तो f1+f2 के जगह हम क्या यूज करेंगे, हम f यूज करेंगे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, चूंकि ये ω1 और ω2 ओमेगा हो गया, तो यहाँ से हम ओमेगा को कॉमन कर लेंगे और 1/f1+1/f2 = 1/ यहाँ पर f हो जाना चाहिए = क्या हो जाएगा 0। यहाँ से 1/f = फिर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से f = क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब फोकल लेंथ इनफाइनाइट होने का मतलब यह है कि जब हम दो लेंसों को कंबाइन करेंगे तो वह जो कॉम्बिनेशन है वह लेंस की तरह बिहेव नहीं करेगा, ग्लास के स्लैब की तरह बिहेव करने लगेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ω1 और ω2 बराबर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं कि मोनोक्रोमेटिक एबरेशन क्या है। तो जैसे कि पहले हमने बता दिया कि वैसा एबरेशन जो ऑप्टिकल सिस्टम के द्वारा उत्पन्न होता है उसे हम लोग मोनोक्रोमेटिक एबरेशन कहते हैं। जैसे स्फेरिकल एबरेशन आ जाएगा, जैसे कि कोमा एबरेशन आ जाता है, जैसे कि डिस्टोर्शन एबरेशन आ जाएगा, जैसे कि एस्टी
मेटिस एबरेशन आ जाएंगे। तो ये स्फेरिकल एबरेशन, कोमा एबरेशन, डिस्टॉर्शन एबरेशन, एस्टिगमेटिस, ये सब के सब ये मोनोक्रोमेटिक एबरेशन में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्फेरिकल एबरेशन क्या है ना। और हमारे सिलेबस में मेनली दो ही एबरेशन पढ़ना है, एक स्फेरिकल एबरेशन और दूसरा क्रोमेटिक एबरेशन। और इन्हीं एबरेशन पे ज़्यादातर सवाल एग्जाम में आते हैं। तो हम लोग देखते हैं स्फेरिकल एबरेशन क्या है। सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल एबरेशन को डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्फेरिकल एबरेशन गोलीय विपतन को डिफाइन कर लेते हैं। तो देखिए, किसी लेंस या मिरर के कर्वेचर के कारण, वक्रता के कारण जो विपतन उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्फेरिकल एबरेशन गोलीय विपतन कहते हैं। द एबरेशन अराइजेस ड्यू टू स्फेरिकल नेचर ऑफ मिरर और लेंस इज कॉल्ड स्फेरिकल एबरेशन। तो डिफिनीशन से ही हमें मालूम हो जाना चाहिए कि ये जो स्फेरिकल एबरेशन है ये लेंस में भी प्रोड्यूस होता है, और ये जो स्फेरिकल एबरेशन है ये मिरर में भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो क्रोमेटिक एबरेशन था वह सिर्फ लेंस में ही उत्पन्न होता है, वह मिरर में उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन स्फेरिकल एबरेशन ये लेंस में भी होगा, मिरर में भी होगा। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ये लेंस में किस तरह से हो रहा है और स्फेरिकल मिरर में किस तरह से हो रहा है। तो देखिए, किसी बड़े एपर्चर वाले लेंस से होकर जब लाइट पास करते हैं तो बीच वाले भाग से लाइट का डेविएशन कम होता है, जिसके कारण रे दूर जाकर के कटते हैं, बट उनके छोरों से लाइट का डेविएशन अधिक होता है, जिसके कारण रे जो है ये पहले जाकर के मिट कर जाएंगे। तो देखिए, अब ये जो पास वाले जो रे है इनके कारण जो फोकस प्राप्त होता है इसे हम पैराएक्सियल फोकस कहते हैं, और जो दूर वाले रे है इसके कारण जो फोकस प्राप्त होता है इसे हम लोग मार्जिनल फोकस करते हैं, इसे हम एफएम से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो देखिए, अब इस पूरे प्रक्रिया से, प्रोसेस से हम लोगों ने समझा क्या कि किसी बड़े एपर्चर वाले लेंस में अलग अलग भागों से लाइट का डेविएशन अलग अलग होता है, जिसके कारण सभी रे जो है वो एक पॉइंट पर आकर के नहीं मिल रहे हैं। इसके कारण इमेज में जो डिफेक्ट होता है उसे हम लोग स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। सेम टू सेम ये प्रोसेस स्फेरिकल मिरर में भी हो जाता है। देखते हैं कैसे। अब ये एक स्फेरिकल मिरर है, यहां पर भी यही होगा, जो पैराएक्सियल रे जो है वे जब इसे मिरर से टकराएगी तो मिरर से रिफ्लेक्शन होगा, और रिफ्लेक्शन के बाद ये दूर जाकर के मिलती है, बट जो मार्जिनल रे है वे इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद पहले ही जाकर के मिट कर जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी दो फोकस हमें प्राप्त होता है, एक जो पैराएक्सियल रे है उनके कारण जो फोकस होगा उसे हम पैराएक्सियल फोकस कहेंगे, और जो मार्जिनल रे है इसके कारण जो हमें फोकस प्राप्त होगा उसे हम लोग मार्जिनल फोकस कहते हैं। इस तरह से हमने स्फेरिकल मिरर में भी हमने देखा क्या, इस मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद सभी रे एक पॉइंट पर आकर के नहीं मिल रहे हैं, इसके कारण यहाँ पर जो इमेज में त्रुटि होगा, जो डिफेक्ट होगा उसे हम लोग स्फेरिकल एबरेशन कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इस स्फेरिकल एबरेशन को कम करने का क्या उपाय है। तो सबसे पहले हम लोग लेंस में देख लेते हैं कि लेंस में हम किन किन उपायों के द्वारा स्फेरिकल एबरेशन को कम कर सकते हैं। तो देखिए, पहला उपाय क्या है, तो इस बड़े एपर्चर वाले एक लेंस के जगह हम कम एपर्चर वाले लेंसों के कॉम्बिनेशन का उपयोग करेंगे। तो पहला हो गया उपाय कॉम्बिनेशन,
ऑफ लेंसेस, हम लेंसों के कॉम्बिनेशन का उपयोग करेंगे। दूसरा उपाय क्या है कि हम प्लेनो कॉनकेव या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करें, प्लेनो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, हम प्लेनो कॉनकेव लेंस या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके भी हम लोग स्फेरिकल एबरेशन को कम कर सकते हैं। तीसरा उपाय क्या है, तीसरा उपाय है यूजिंग एस्टॉप्स, यानी कि अवरोध का उपयोग करके, अवरोध के उपयोग करके भी हम स्फेरिकल एबरेशन को कम कर सकते हैं। तो जरा देखते हैं कि अवरोध का उपयोग करके हम स्फेरिकल एबरेशन को कैसे कम कर सकते हैं, जरा इसको हम लोग समझ लें। देखिए यहाँ पे स्फेरिकल एबरेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट का जो रिफ्लेक्शन है बीच वाले भाग से भी हो रहा है और किनारे वाले भाग से भी हो रहा है। तो यदि अगर हम बीच वाले लाइट को रोक लें, केवल किनारों से होकर के ही लाइट का रिफ्लेक्शन हो, या हम किनारे वाले को रोक लें और बीच वाले भाग से ही लाइट का रिफ्लेक्शन हो, तो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल एबरेशन का दोष कम हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अगर हम यहाँ पे बीच में अगर हम लोग प्लेन मिरर का यूज कर देते हैं तो क्या होगा, तो लाइट जो है इस बीच वाले भाग पर आएगी और टकरा करके वापस क्या हो जाएगी, लौट जाएगी, इसी पाथ पर क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। बच जाएगा सिर्फ किनारे वाले लाइट, और किनारे वाले लाइट जो है वह जा करके केवल ये जो मार्जिनल फोकस है इसी पर मीट करेंगे, ये जो पैराक्सियल फोकस जो होगा वो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि बीच वाला लाइट क्या हो गया, हमने इसको रोक लिया है। अब स्टॉप जो है हम इसके किनारों पर भी लगा देंगे। कैसे, अगर हम यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, स्टॉप लगा दें, तो क्या होगा, ये जो किनारे पर आने वाले जो लाइट है ये रुक जाएंगे और केवल बीच से ही लाइट का क्या होगा, रिफ्रेक्शन होगा, जिसके कारण ये जो मार्जिनल फोकस है ये प्राप्त नहीं होगा, केवल जो है पैराक्सियल फोकस हमें प्राप्त होगा और रे जो है एक ही बिंदु पर जाकर के क्या करेगी, मीट करेगी। इस तरह से यहाँ पे स्फेरिकल एबरेशन का दोष जो है वो कम हो सकता है। इस तरह से स्टॉप का यूज करके भी हम लोग लेंस में स्फेरिकल एबरेशन को कम कर सकते हैं। हम देखते हैं कि इस स्फेरिकल मिरर में हम स्फेरिकल एबरेशन को कैसे कम करेंगे। देखिए अब यहाँ पर भी आप दो उपायों के द्वारा स्फेरिकल एबरेशन को कम कर सकते हैं। पहला उपाय क्या है, यूजिंग स्टॉप्स, यानी अवरोध का उपयोग कर, अवरोध का उपयोग करके कैसे, तो हम करेंगे क्या, यहाँ पर भी या तो बीच में हम प्लेन मिरर का उपयोग कर दे, तो अगर हम बीच में प्लेन मिरर का उपयोग कर दे तो क्या होगा, केवल इसके छोरों से ही लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, या अगर हम किनारों पर स्टॉप का यूज कर दे तो क्या होगा, केवल बीच से ही लाइट का रिफ्लेक्शन होगा, जिसके कारण पूरे मिरर से लाइट का जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो या तो मार्जिनल फोकस प्राप्त होगा या तो पैराक्सियल फोकस प्राप्त होगा, जैसे हमने लेंस में हमने देखा। तो इस तरह से स्टॉप का यूज करके जैसे हम लेंस में स्फेरिकल एबरेशन को कम कर देते थे, वैसे ही स्फेरिकल मिरर में भी स्टॉप का यूज करके और अवरोध का उपयोग करके हम लोग गोलीय विपथन का दोष कम कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप का यूज करने का मतलब यही है, या तो बीच वाले भाग से लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्शन हो, या किनारों से ही लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्शन हो, पूरे भाग से, पूरे पोर्शन से लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्रेक्शन नहीं हो, तो अपने आप स्फेरिकल एबरेशन का जो डिफेक्ट है वो कम हो जाएगा। दूसरा हम इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, स्फेरिकल मिरर की जगह हम लोग पाराबोलिक मिरर का यूज कर ले तो स्फेरिकल एबरेशन का जो दोष है वह कम हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोग समझ ले कि स्फेरिकल मिरर क्या और पाराबोलिक मिरर क्या है। तो वैसा मिरर जो एक स्फीयर का पार्ट होता है उसे हम लोग स्फेरिकल मिरर कहते हैं। जैसे ये मिरर स्फीयर का पार्ट हो गया, इस मिरर को हम लोग क्या कहेंगे, स्फेरिकल मिरर कहते हैं। बट ये जो मिरर है
ये एक पाराबोला का पार्ट हो गया, तो इस मिरर को हम कहेंगे पाराबोलिक मिरर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पाराबोलिक मिरर। इसको क्या कहेंगे? स्फेरिकल मिरर। तो जैसे स्फेरिकल मिरर भी कनकेव और कन्वेक्स हो सकता है, वैसे पाराबोलिक मिरर भी कनकेव या कन्वेक्स हो सकता है। तो अगर हम स्फेरिकल मिरर के जगह पाराबोलिक मिरर का उपयोग करें तो क्या हो जाएगा? गोलीय विपतन का दोष दूर हो जाता है। इस पाराबोलिक मिरर में देखते हैं क्या होता है। इस पाराबोलिक मिरर में जब लाइट आकर के टकराता है तो चाहे वह मार्जिनल रे हो या पैराक्सियल रे हो, रिफ्लेक्शन के बाद सारे रे एक ही पॉइंट पर क्या होते हैं? आकर के मिल जाते हैं, जिसके कारण स्फेरिकल एबरेशन का दोष जो है वह दूर हो जाता है। लेकिन बड़े एपर्चर वाले है ना स्फेरिकल मिरर में पैराक्सियल रे अलग पॉइंट पर आकर के मिलते हैं और मार्जिनल रे जो है ये अलग पॉइंट पर आकर के मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ पे स्फेरिकल एबरेशन का दोष पाया जाता है। लेकिन इस पाराबोलिक मिरर में चाहे वह रे मार्जिनल हो या वह रे पैराक्सियल हो, रिफ्लेक्शन के बाद सभी एक ही पॉइंट पर आकर के मिल रहे हैं, जिसके कारण इस पाराबोलिक मिरर में है ना स्फेरिकल एबरेशन का दोष दूर हो जाता है। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा कि इमेज क्या है, इमेज कितने टाइप का होता है, इमेज का डिफेक्ट किसे कहते हैं, और ये जो इमेज डिफेक्ट है यानी जो एबरेशन है ये कितने टाइप का होता है, और इन एबरेशन को कैसे कम किया जा सकता है।